लर्नर्स, पाइथन के चौथे वीडियो में हम लोग नमपाई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। बहुत सारे पर्सन से नमपी भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली यार इसका प्रोनाउंसिएशन नमपाई होगा। इट इज ए पैकेज फॉर डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग विद पाइथन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। NumPy uses a multi-dimensional array object. Multi-dimensional array object के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। Is the fundamental package required for high performance computing and data analysis. NumPy is so important for numerical computations is because it is designed for efficiency on the large arrays of data. It provides end-to-end array for creating multiple dimensional array. इंटरनल स्टोरेज डेटा इन कंटिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी के लिए हम लोग NumPy का यूज करते हैं। यह जो है इंटरनल एरे होता है जो आपका स्पीड्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग करता है। NumPy कैन बी इजिली इंटरेक्ट विथ अदर। NumPy को हम आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं अदर के साथ। पाइथन पैकेज एंड प्रोवाइड द टूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी और सी प्लस प्लस। NumPy जो होता है वह आपका एन डायमेंशनल एरे होता है जो फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कंटेनर फॉर लार्ज डेटा होता है और इसको हम लोग आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हमें NumPy सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने का प्रोसेस है आपका कि आप कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन कीजिएगा और कमांड प्रॉम्प्ट पर सिर्फ एक लाइन लिखना है आपको, PIP -M। इसके पहले आप लिखिएगा PY, आप अपना वर्जन चेक करना चाहते हैं तो -- वर्जन, इससे आप चेक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। इसके बाद आपको लिखना है PY -M PIP इंस्टॉल NumPy। इसके मदद से आप अपने कंप्यूटर में NumPy इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा py माइनस m pip इंस्टॉल NumPy। इसके मदद से हम लोग अपने कंप्यूटर में NumPy इंस्टॉल कर सकते हैं। अब है कि हम लोग NumPy में किस तरह से काम करते हैं वह चीज भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो NumPy के बारे में बताया कि यह भी एक आपका एरे होता है, यह आपका फास्ट काम करता है, न्यूमेरिकल डेटा के रूप में काम करता है और यह आपका एन डायमेंशनल एरे आपका NumPy परफॉर्म करता है। एनडी एरे इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ होमोजीनियस डेटा। यह आपका होमोजीनियस डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एवरी एरे मस्ट हैव ए शेप एंड टाइप। प्रत्येक एरे का अपना शेप होता है और उसका अपना प्रत्येक एरे का अपना टाइप होता है। NumPy का प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ता है, NumPy को इम्पोर्ट करना पड़ता है, अर्थात यहाँ पर हमारा NumPy एक पैकेज के तरह वर्क हमारा परफॉर्म करता है। जब तक हम लोग NumPy पैकेज को इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपने प्रोग्राम में NumPy का प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं। मशीन लर्निंग और जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ज़्यादा अमाउंट में डेटा के साथ जहाँ वर्क परफॉर्म करना है वहाँ पर हम लोग NumPy सॉफ्टवेयर का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे डेटा को या NumPy आसानी से आपका इसमें हम लोग वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक एरे बनाए तो np.arr, यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे आसानी से हम लोग बना लिए, या np.zeros अर्थात ये 2-3 है तो ये आपका 2-row 3-column का बन जाएगा और उसमें सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। np.1 2-3 का बनेगा, सबके सब क्या रहेगा, 1। np.i तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा, 3 देंगे तो 3-3 का। np.arrange 2-10 और ये 2 तो यहाँ हो जाएगा कि 0 से शुरू होगा, 2-2 के डिफरेंस होते हुए 10 तक जाएगा। np.random या रैंडमली आपका प्रिंट करेगा इंटीजर वैल्यू को, आसानी से हम लोग वर्क परफॉर्म्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर टू डायमेंशनल एरे बनाना है np.array तो यहाँ पर डेटा पास करेंगे तो यह आपका टू डायमेंशनल एरे बन जाएगा।
अगर हम लोग एरे इंटू एरे कर देंगे तो उसके प्रत्येक वैल्यू अपना गुना कर लेगा, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, और 5 into 5 25, 6 into 6 36। इस तरह से हम लोग नंपाई के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म्स कर सकते हैं। अब हम लोग यह देखना चाहते हैं कि नंपाई के साथ हम लोग डिफरेंट अरेंज कर डेटा को अरेंज करना, उसमें कोई एक स्पेसिफिक डेटा को देखना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक पोजीशन से स्पेसिफिक पोजीशन के डेटा को देखना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं नंपाई में। वह आपका 1 dimensional भी हो सकता है, 2 dimensional भी हो सकता है और आपका n डायमेंशनल भी हो सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नंपाई जो हमारा ND एरे है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके सीखते हैं। अब हम लोग नंपाई का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने ओपन किया न्यू फाइल, एडिटर ओपन हुआ जिसको कहते हैं IDLE। नंपाई के प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे हेडिंग में इम्पोर्ट नंपाई, नम मतलब नंबर, पी पाई पाइथन से लिया गया है, नंपाई एज NP। इसे हम लोग एक नंपाई नाम का पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, और बार बार नंपाई लिखना उचित नहीं था, इसलिए एनपी नाम का उसका एक एलियास कर लिया, ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे np.arr। एरे से हम लोग इसमें हम लोग एक एरे बना सकते हैं और इस वैल्यू को हम लोग दूसरे एरे में स्टोर कर भी सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर प्रिंट लिख दीजिएगा, यहाँ से भी आप वैल्यू को देख सकते हैं। इसके लिए इसको पहले सेव कर लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए बट एक्सटेंशन होना चाहिए .py, पाइथन का एक्सटेंशन आपका py होता है। आप वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहिएगा कि वैल्यू को दूसरे एरे में स्टोर कर लें, एक arr1 बना लिए और इसमें मैंने इस डेटा को स्टोर कर लिया, और यहाँ से इसको देखना चाहते हैं तो प्रिंट arr1, ऐसे भी हम लोग डेटा को देख सकते हैं। रन मॉड्यूल, आप डेटा को देख सकते हैं। अब है कि अगर इसी में हम कर दिए, अगर 2 into 2 का करना है तो यहाँ पे एक और ले लीजिए, नहीं इसको बंद कर दीजिए, यहाँ कॉमा दिए, एक और कुछ वैल्यू दे दीजिए, आसानी से आप नंपाई, यहाँ पे लाखों लाख डेटा है, डेटा के साथ काम करना है, मशीन लर्निंग के ऊपर फोकस करना है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर या सब जितने वर्क होते हैं हमारा पाइथन के अंतर्गत हमारा परफॉर्म होते हैं। बड़ी ब्रैकेट छूट गया था, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट आप दे दीजिए, आपका वर्क परफॉर्म्स करेगा। यानी जहाँ पे लाखों लाख डेटा के साथ काम करना होता है वहाँ पर हमारा पाइथन बहुत ही हेल्पफुल होता है, वहाँ हम आसानी से पाइथन में लाखों लाख डेटा के साथ वर्क परफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं। जो हम लोग प्रोग्राम बनाए थे ये था आपका प्रोग्राम, इसको ओपन किए, यहाँ पे एक और ये देना चाहिए था बड़ी ब्रैकेट, वो छूट गया, कंट्रोल से सेव किए, रन, रन मॉड्यूल, ये आपका बनकर तैयार हो गया। ये आपका 3 into 3 का मैट्रिक्स अर्थात 2 dimensional मैट्रिक्स का यूज हम लोगों ने आसानी से 2 dimensional मैट्रिक्स हम लोग बना कर तैयार कर लिए। यानी अगर आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप आर्गुमेंट्स को आप पास कर सकते हो, जैसे जस्ट एग्जाम्पल अगर लिख देते हैं arr1 जस्ट लाइक एग्जाम्पल शेप shape शेप, कंट्रोल एस शेप कर लेते हैं, रन, रन मॉड्यूल, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि हम जो बनाए हैं वो हमारा 3 into 3 का है, अर्थात इसमें 3 रो है और 3 कॉलम हम बना के तैयार किए हैं। यदि इसमें आप लिख देते हैं, इसको पहले क्लोज किया जाए, साइज SIJT साइज, कंट्रोल S से सेव कर लिए।